माई यूट्यूब फैमिली, आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त कुकिंग ब्लॉग के साथ। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन मायो चीज़ रोल। ठीक है, इसमें आप लोगों को सबसे पहले हम दिखाते हैं इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने लिया है शिमला मिर्च। दो शिमला मिर्च मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसको बारीक जो हमने काट लिया है। सेकेंड नंबर पे इंग्रेडिएंट है चिकन। ये तकरीबन 200 ग्राम चिकन्स है। ठीक है, उसको मैंने बॉइल करके और रेशा कर लिया है। थर्ड हमारे पास जो है वो है पेपरिका पाउडर। ये आपको इस तरह के डब्बे में आसानी से मिल जाएगा, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चिली सॉस, सोया सॉस, ठीक है, ये नॉर्मली किसी भी कंपनी की आपको आसानी से मिल जाएगी, हर जगह अमूमन घर में अवेलेबल भी होती है। ठीक है, ये चिली सॉस और सोया सॉस है। इसके साथ मैंने लिया है मायोनीज़। आप मायोनीज़ की जगह पे अगर बच्चे ज़्यादा चिकन स्प्रेड पसंद करते हैं तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको आसानी के साथ मिल जाए या जो आप लोग पसंद करते हो। इसके अलावा हमने इसमें डाला है आधी कुटी हुई लाल मिर्ची, ठीक है, एक चम्मच। एक चम्मच हमने काली मिर्ची ली है, और नमक जो है वो हमने हसबे जायका लेना है। ठीक है, ये है हमारी सारी फिलिंग के जो है वो इंग्रेडिएंट्स। अब हम बनाते हैं फिलिंग अपनी। सबसे पहले चलते हैं हमारी फिलिंग की तरफ दोस्तों। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी फिलिंग, ठीक है, रोल की। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन। फिर से बता रही हूँ, ये हमने 200 ग्राम लिया था, इसको बॉइल करके और रेशा कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 अदद शिमला मिर्ची, इसको हमने बारीक काट लिया है। आप चाहे तो शिमला मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको अपने टेस्ट के मुताबिक पसंद हो। ठीक है, इसके बाद मैंने ये ड्राई मसाले ऐड करने हैं, नमक, काली मिर्ची और लाल मिर्ची का पाउडर। काली मिर्ची मैं यहाँ पे थोड़ी सी कम डाल रही हूँ पहले, ताकि जो है ना हमें कलर का पता चल जाए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ी सी रख ली है वापसी। और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पेपरिका पाउडर। ये मैं तकरीबन इतना आधा चम्मच डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची और ये सारी चीज़ें होती हैं, हमने ऑलरेडी लाल मिर्ची इसमें डाली हुई है, तो ये ऐसा नहीं ज़्यादा स्पाइसी हो जाए। सही हो गया। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जो है सोया सॉस का। 1 चम्मच मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस, ठीक है, ये ऐड करूँगी। 2 चम्मच जो है वो इसमें मैं तकरीबन मायोनीज ऐड करूँगी। ये हम 2 चम्मच इसमें मायोनीज ऐड कर रहे हैं। आप मायोनीज कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करिएगा कि वो बिल्कुल सिर्फ मायोनीज का टेस्ट है, क्योंकि हमें इसमें चीज़ भी डालनी है। ठीक हो गया, ये मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड कर दिए मायोनीज। अब हम पहले इनको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, काली मिर्ची मैंने कम कर दी, 1/2 चम्मच मैंने डाली, ठीक है, 1/2 मैंने रख दी। काफ़ी स्पाइसी दिखने में लग रहा है, तो आप लोग भी 1/2 चम्मच ही यूज़ करिएगा, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाए तो वो फिर वो भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता ना, सिर्फ तीखा अगर टेस्ट आता है तो। ये इस तरह से मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ मोज़रेला चीज़। ठीक है, मैंने चीज़ यहाँ पे मोज़रेला ऐड की है। चीज़ को मैंने इस तरह से बारीक जो है वो काट लिया है। अब अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप ब्रेड रोल बनाते वक्त भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी है आपको इसी के अंदर मिक्स करनी, क्योंकि ये मोज़रेला चीज़ है। ये वैसे भी आप अगर ऊपर से भी डालेंगे ना तो भी वो एक बड़ा अच्छा सा जो है ना डिश में लुक देगी और टेस्ट देगी। चीज़ भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं कर रही, मैं ब्रेड रोल बनाते वक्त इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, ये हमारा जो है वो हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल आपस में चिपक गए हैं, क्योंकि हमने मायोनीज इसके अंदर डाला था। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्रेड रोल की प्रिपरेशन की तरफ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं स्टेप 2, और वो है हमारा ब्रेड रोल। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है ब्रेड क्रम्स, ब्रेड लिए हैं, इसके साइड्स जो हैं वो मैंने निकाल लिए थे, उसको मैंने जो है ना मिक्सी में मिक्स कर लिया था। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं इन स्लाइस की साइड्स में से। ठीक है, 1 अदद मैंने अंडा लिया है यहाँ पर, और 1 बाउल में मैंने लिया है पानी। ठीक हो गया, अंडे में मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्ची, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक।
जितना हम नॉर्मल ऑमलेट में डालते हैं उतनी में लगा दी। जी दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड रोल, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं स्टेप टू के। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको जो है ना हमें पानी में डिप करना है, ठीक है। इनको हम साइड कर देते हैं पहले, क्योंकि अभी हमारा पहले यूज़ होने वाला ये इंग्रेडिएंट है पानी है, ठीक है। पानी में आपको क्या करना है, ये ब्रेड इस तरह से लेना है। आप चाहें तो इसको बेल भी सकते हैं, ये बेलन से अगर बेलेंगे तो ये सीधा हो जाएगा, अगर नहीं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। थोड़ा सा पानी में देखें, अब मैंने जस्ट जो है ना उसको टच करवाया है, ये गीला हो गया है। अब इसको यूँ प्रेस करना है, प्रेस करेंगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली जो है ना वो गीला हो जाएगा पूरा, और पानी पूरा हमें निकाल देना है, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे फिलिंग, इसमें डालेंगे हम इस तरह से फिलिंग। आप चाहें तो मायोनीज इसके अंदर भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर नहीं डाली, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी। इसके अंदर नहीं डालने का ये रीज़न है कि अगर आप इसमें मिक्स कर देंगे ना तो पीसेस लास्ट में नहीं है कि हर किसी में बराबर क्वांटिटी में आए और जो है ना हर पूरे लंबाई में भी आए। तो मैं क्या करूँगी, इसमें अलग से डालूँगी तो पूरे लंबाई में ब्रेड रोल में चीज़ स्प्रेड करूँगी, ठीक हो गया। ये जी हमारी आ गई चीज़, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस चीज़ को इस तरह से पुट किया, ये लंबे लंबे स्लाइसेस मैंने काटे हैं, तो मैं चीज़ को इस तरह से सेट करूँगी, ठीक हो गया। जितने भी आपको क्वांटिटी में चीज़ चाहिए उतनी मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस काट लिए हैं, और जो है ना मैंने थोड़ा सा, मुझे मसाला और कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, ठीक हो गया। इस तरह से डाल दिया और इसको यूँ हमने रोटेट करना है, ठीक है। थोड़ा सा यूँ प्रेस करना है उंगलियों की मदद से आपको, यहाँ पे इस तरह से यूँ, ठीक है। यहाँ से यूँ बन जाएगा तो ये बंद हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से ये बंद हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा जो है ना लंबा लंबा बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लाइस हमारा गीला नहीं था, मैंने थोड़ा सा पानी लगा के इसको प्रेस कर दिया है ताकि ये पूरी तरह से चिपक जाए, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें एग में मैंने डाला है नमक और काली मिर्ची, इसको मैंने मिक्स कर देना है। एक दो चुटकी काली मिर्ची डाली थी और थोड़ा सा नमक डाला, ठीक है, जितना हम ऑमलेट में डालते हैं। ये मैंने सबसे पहले इसमें डिप किया, ठीक है। उसके बाद इसमें से निकालने के बाद मैंने इस ब्रेड क्रम में डाला, इसमें पूरा लतपत कर देना है, ठीक है। इसको पूरा कवर कर देना है, अच्छी तरह से कोट करना है। जितनी अच्छी कोटिंग आप करेंगे उतना क्रिस्पी और उतना मज़े का आपको लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये रेसिपी जो है, ये ब्रेड रोल जो है वो आप तकरीबन एक हफ्ते तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हफ्ते तक बना के इस तरह से आप रख सकते हैं और उसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर आप एक हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको चाहिए फ्रीज़र से निकाल के जस्ट फ्राई करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इसको मैं रख रही हूँ इस तरह से एक प्लेट में, आपको प्लेट में रखते जाने हैं और बनाते जाने हैं। अब मैं जल्दी से सारे ब्रेड रोल बना लेती हूँ। जी दोस्तों, तो ब्रेड रोल मैंने तमाम बना चुकी हूँ, ठीक है। उसको मैंने क्या किया था, थोड़ी देर फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जो है ना ब्रेड क्रम्स उस पर अच्छे से चिपक जाए। अगर आप जो है ना फौरन बना के और फ्राई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें।
आराम से फ्राई हो जाएंगे। ऑयल मैंने इसको जो है ना प्री हीट कर लिया है। अब मैं चेक करूँगी थोड़ा सा, ये ब्रेड क्रम ले रही हूँ मैं और इसमें डाल के देखूँगी, अगर ये ऊपर आ जाता है तो ऑयल मीन्स बहुत गर्म हो चुका है। ये देखें ये नीचे नहीं गया, इट्स मीन कि ऑयल अच्छा खासा गर्म हो चुका है और फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना पहला जो है वो ब्रेड रोल इसमें डालते हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, एक हफ्ते तक मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप बना रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो आप स्टोर कर लें अपने पास और जो है ना उसको आप एक हफ्ते तक यूज़ करते रहें डेली रूटीन में, सेकेंड डे जैसे भी आपको सही लगता है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे हम, ऐसा नहीं कि हमने चार पांच भर के डाल दिए। अगर बहुत बड़ी कढ़ाई है आपके पास तो आप उसमें डाल सकते हैं बेशक चार पांच, अदरवाइज़ आपने तीन दो इतने इतने डालने हैं ताकि वो आराम से हम पलट सकें, ठीक है ना। अब इसको हम दो मिनट तक फ्राई होने देंगे, खुद ही जो है ना इनका कलर जो है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन शीट में आ जाएगा। तो हम इसको टर्न कर देंगे, ठीक है, दूसरा साइड पलट देंगे इसका। ये आप देख रहे हैं ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से चिपक गए थे, इस वजह से यहाँ से निकल नहीं रहे ब्रेड क्रम्स कहीं से, वरना क्या होता है अगर चिपके हुए नहीं होते तो पूरा डालते ही ऑयल में और वो पूरे फैल जाते हैं ना कढ़ाई में ब्रेड क्रम्स इसके। जी दोस्तों, तो यहाँ पे हमें दो मिनट हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं इसका साइड चेंज करने लगी हूँ, आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है ब्राउन सा, ठीक है, और ज़रा भी जो क्रम्स है वो हमारे उतरे नहीं है, बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से लग गए हैं, ठीक है। अब हम फिर मज़ीद इसको एक दो मिनट पकने देंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी पक जाए और फिर हम इसे डिश में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल ब्राउन कलर के हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, ठीक है, इसका ऑयल जो है हमें बिल्कुल सोक कर लेना है, निकाल लेना है ऑयल, और वरना अगर ऑयल इसमें रह जाएगा आप छान के नहीं निकालेंगे तो वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे, ठीक है, दो मिनट बाद। तो इस वजह से इसको ऑयल बिल्कुल स्टेन कर लेना है आपने, ठीक है। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे ब्रेड रोल हो चुके हैं रेडी, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इसमें और बहुत ही रिप्रेजेंटेबल है। इनको कुछ भी आपको जो है ना गार्निश करने की ज़रूरत नहीं है, इनका खुद का कलर ही इतना अच्छा है कि हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर से चीज़ किस तरह निकलती है और इसका फ्लेवर जो है वो हम कैसा लगता है दूसरों को। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।